Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are all doing well. Students, this is a summary of Math Zoom online class. Today we are going to discuss the next topic, which is factors. In the previous lecture we have discussed the divisibility rules, and I have told you that we discuss the factors in the next lecture. So what is factor? Let us first discuss the factors and iske questions karenge hum, theek hai? फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर. फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर इज़ अ नंबर, एक ऐसा नंबर होता है विच डिवाइड्स द डिविडेंड, विच डिवाइड्स द डिविडेंड, जो डिविडेंड को, जो नंबर इनसाइड द डिविजन हाउस होते हैं उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, लिविंग नो रिमाइंडर. सो जो डिवाइजर होता है उसका वो क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है. हमने डिविजन की थी ना, इन द डिविजन वी हैव लर्न द डिविडेंड एंड डिवाइजर्स, ठीक है, हमने दोनों बातें पढ़ी थी. सो डिविडेंड जो द नंबर्स विच इज़ रिटन इन साइड द डिविजन हाउस, एंड डिवाइजर द नंबर्स विच इज़ रिटन आउटसाइड द डिविजन हाउस. सो वो डिवाइजर जो डिविडेंड को कम्प्लीटली फिनिश कर देते हैं, ठीक है, तो वो उस डिविडेंड के क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं. आपने क्वेश्चंस किए थे ना, वी हैव लॉट्स ऑफ डिवाइजर्स, हमारे पास बहुत सारे डिवाइजर्स होते हैं, लेकिन ऑल द डिवाइजर्स आर नॉट कम्प्लीट डिवाइड्स द डिविडेंड, कम्प्लीट डिवाइड तो नहीं करते ना. सो जो कम्प्लीट डिवाइड नहीं करते हैं वो डिवाइजर हो जाते हैं, और जो कम्प्लीट डिवाइड करते हैं वो उसके क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं. नाउ स्टार्ट द लेट्स डू द एग्जाम्पल. आई हैव एन एग्जाम्पल, 6 डिवाइड बाय 1. किससे मैंने किया? 6 डिवाइड बाय 1. मैंने एक नंबर ले लिया, गिवन नंबर इज 6, मीन्स दिस इज़ द डिविडेंड, ठीक है, ये हमारा डिविडेंड है. इस 6 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो 1 से लेंगे. किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से. ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. 1 6 are 6, कहाँ से? देखें, 1 के टेबल पे जब मैं 6 को डिवाइड करती हूँ, 1 6 are 6, इट गिव्स अस 0 रिमाइंडर. सो 1 ने 6 को डिवाइड कर दिया, सही. नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 से, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 0 रिमाइंडर है. सो 2 जो था डिवाइजर, उसने 6 डिविडेंड को कंप्लीट फिनिश कर दिया, सही. लेट्स विद द 3, टेक द 3, 3 2 are 6, हमें क्या मिल गया आंसर? 0, और द 3 ने 2 को के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 हमें कंप्लीट डिवाइड करके दे दिया. सो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. अगर मैं 4 से चेक करती हूँ, लेट्स चेक विद द 4, 4 1s आर, डिवाइज़र तो इसका है, देखें डिवाइज़र तो है. मैंने अभी कहा कि डिवाइज़र बहुत सारे होते हैं, बट डिविडेंड फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है. 4 1s are 4, आंसर मुझे क्या मिला? 2, मींस कि इसने कंप्लीट फिनिश नहीं किया था, तो दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 6. 4 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6, बट 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 6. वो इसका डिवाइज़र तो कहलाया, बट इसका फैक्टर नहीं कहलाया, ठीक है. चेक विद द 5, 5 1s are 5, 5 इज़ ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6. उसने 6 को डिवाइड तो कर दिया, बट हैविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर बच गया. सो मेरे पास क्या आ गया? 1, यहाँ पे 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 6. लेट्स विद डू विद द 6, 6 1s are 6, मीन्स के 6 ने भी 6 को कम्प्लीट फिनिश कर दिया. सो मेरे पास फैक्टर्स क्या हो गए इसके? 1, अगर मैं 7 से चेक करती हूँ तो देखिए 7 के साथ ये पॉसिबल नहीं है, 7 के टेबल में 6 नहीं आता. सो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुए थे? 1 से. फैक्टर्स मैंने कहाँ से स्टार्ट लिए थे? 1 से लिए थे, और कहाँ पर आके वो स्टॉप हो गए? इटसेल्फ पे आके. मैंने वही नंबर से जब उसको डिवाइड किया गिवन नंबर के साथ, तो मुझे वहाँ पर एंड हो गया, ठीक है. अब 6 के साथ जब मैंने किया था, देखें ये मेरे पास क्या हो गया? 1 2 3 and 6, दीज 4 नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर विच इज 6, ठीक है. हियर 1 2 3 and 6 डिवाइड 6 कम्प्लीटली, सो रिमाइंडर इन ईच केस इज 0. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी 0 मिला था, ये भी 0, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 0. सो जहाँ पे हमें 0 रिमाइंडर नहीं मिला था, तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाया था, ठीक है. वी से दैट 1 2 3 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, कि ये चारों इसके क्या हो गए हैं? फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है. अब रूल्स ऑफ फैक्टर, रूल्स ऑफ फैक्टर क्या थे? फैक्टर्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फैक्टर्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था? 1 से लिया था. क्यों 1 से होते हैं? बिकॉज 1 जो होता है वो सारे नंबर्स को कम्प्लीट डिवाइड. सो फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. कहाँ से होते हैं? हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, और 1 एक ऐसा नंबर हमारे पास है, एक ऐसा डिवाइज़र हमें हमारे पास है कि जो सारे नंबर्स को कम्प्लीटली फिनिश करता है, 0 रिमाइंडर्स के साथ उसको डिवाइड करता है, ठीक है.
So ends, second point is ends on itself. Factors are always ends on itself. जब हमारे पास वो last digit आ जाए means के factors क्या होते हैं, वो stop हो जाते हैं. सही हो गया. One से start होते हैं और itself means जो given number होता है उस पर आके वो stop हो जाते हैं. और third one point is factors are limited. Third one point is factors are limited. ये factors क्या होते हैं, limited होते हैं. Limited means मखसूस होते हैं, बस कुछ पॉइंट्स होते हैं, आगे उससे वो नहीं जाते. ठीक, चले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. फॉलोइंग अब हमें क्या है गिवन है, 14 हमें मिला हुआ है. सो मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है, 1 से लेना है. 1 14s are 14. 2 पे करेंगे 2 7s are 14. अब यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे ना, 2 के 3 के 5 के एंड 10 के. तो ये 4 रूल्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं. ठीक, अब जब मैं 3 के लिए चेक करती हूँ कि क्या 3 के टेबल में 14 डिवाइड हो सकता है या नहीं, सो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने इस गिवन नंबर को क्या कर लूँगी, डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करूँगी. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज एड अप द नंबर्स, सम अप द नंबर्स. सो व्हेन आई सम अप द नंबर्स, 4 + 1 विच बिकम्स 5. सो 5 आता है, मीन्स के 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3. सो 14 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3. तो 14 पे उस पर डिवाइड नहीं होगा. सेम लाइक विद द 4. तो 4 के टेबल में अगर हम चेक करते हैं तो 4 3s are 12, 4 4s are 16. 4 भी नहीं आता. 5 पे चेक करते हैं तो यहाँ पर लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0 एंड 5, तो 5 पर भी नहीं होता. विद द 6 6 2s are 12, 6 3s are 18. 6 में भी 14 नहीं आता. किस किस टेबल में ये 14 आ रहा है, हमने वो नंबर्स ढूंढने हैं. ठीक है, सिंपली 7 के टेबल में देखेंगे, 7 2s are 14. अच्छा जी, जब हमारे पास एक डिजिट कम रिपीट हो जाए, जैसे मैंने अभी पहले किया था 2 7s are 14, फिर 5 4 5 6 किसी पे नहीं आता था, फिर 7 पे आता था, 7 2s are 14 के मीन्स ये 7 मेरे पास रिपीट हो गया. एक नंबर जब रिपीट हो जाए मीन्स कि हमारे फैक्टर स्टॉप हो जाते हैं. हम यहाँ पर अपने काम को स्टॉप करके फैक्टर्स को स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, अब ये लाइन आपको अगर शो हो रही हो तो मीन्स कि मैंने लाइंस इसलिए ड्रॉ की है कि यहाँ से हमारे स्टॉप होते हैं 1 से 1 2 7 एंड 14. 1 2 7 एंड 14 ये मेरे पास क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, अच्छा जी, ये एक ये वाली एग्जांपल करते हैं, 45 है मेरे पास, इसको मैंने 1 से स्टार्ट लिया, 1 45s are 45. 2 पे चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल को लेकर आएंगे, द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन, सो गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो नो नीड टू डू द डिवीजन. ठीक है, 3 पे चेक करेंगे तो 4 + 5 9. 9 3 पर आता है तो 45 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. हमने यहाँ डिवीजन करके चेक किया, सो 3 15 हमने चेक किया तो 15 मुझे मिला, 3 15s are 45. 4 पे चेक करेंगे तो 4 4s are 4 11s are 44, मीन्स के 4 के टेबल में 45 नॉट पॉसिबल. चेक विद द 5 पे जब चेक करेंगे तो 5 9s are 45. इसी तरह देखें, मैंने यहाँ 6 पे चेक किया, पॉसिबल नहीं था. 7 पे चेक किया, नॉट पॉसिबल. 8 पे करेंगे, नहीं सॉल्व होता. 9 पे करेंगे तो 9 5s are 45. ये 9 रिपीट हो गया था मेरे पास, तो मेरे फैक्टर्स स्टॉप हो गए. तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, मीन्स कि यहाँ से फैक्टर्स लिखने हम स्टार्ट करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 45 आर 1 3 5 9 15 45. देखिए ये ट्रेन की तरह चल रही है, यहाँ से ट्रेन आई, इधर से टर्न होके वापस यहाँ पर अपवर्ड में चली गई. 1 3 5 9 15 एंड 45. इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप फिर प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, नेक्स्ट वन टॉपिक इज प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स. अब प्राइम फैक्टर्स क्या चीज़ें हैं मैडम, हमने तो प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है. व्हाट इज़ प्राइम फैक्टर्स? सो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दो विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एंड फैक्टर क्या होता है, जो गिवन नंबर को कम्प्लीट डिवाइड करता है. सो प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टर है. प्राइम फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच आर ब्रेकिंग अप अ कॉम्पोजिट नंबर इन टू प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो एक पर्पस, एक मेथड के थ्रू क्या करते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स को ब्रेक अप करते जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट करते जाते हैं, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करते जाते हैं. तो वो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का मेथड होता है. एग्जांपल देखें, वी हैव 12, चेक करेंगे इसको 2 के टेबल पे. अच्छा, ये जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ये 1 से स्टार्ट नहीं होते. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से नहीं, बिकॉज 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. सो हम इसको 2 या 3 के साथ पॉसिबल चेक करेंगे. मैंने 3 से किया है, 3 4s are 12. सो व्हाट अबाउट 3? 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी सर्कल इट. लेट्स चेक द 4.
अब ये देखें, ये टू पार्ट्स क्या बने थे, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट गिव्स अस 12. अब 4 को चेक करेंगे, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 4 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, सो वी फर्दर ब्रेक इट अप. हम इसे और ब्रेकअप करेंगे कैसे, अब देखेंगे कि 4 किस किस टेबल पे आता है एक्सेप्ट द 1, 1 को छोड़ के. 2 पे देखेंगे, 2 2s are 4, सो 2 2s are 4 मीन्स के ये दो नंबर्स हमें ऐसे मिल गए जो 4 को ब्रेकअप कर रहे थे. अब देखेंगे कि क्या इन दोनों में से कोई और ऐसा नंबर है कॉम्पोजिट. नो, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, दिस वन 2 इज़ प्राइम नंबर, दिस वन 3 इज़ प्राइम नंबर. सो प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए इसके, 3 and 2. ये दोनों सेम थे, सो वी राइट द 1 टाइम. ठीक है, क्वेश्चन इसका देखें. आई हैव अ नंबर 24, 2 12s are 24. इस 24 को किन दो नंबर्स ने ब्रेकअप किया, 2 नंबर्स ने, 2 and 12 ने. चेक द 2, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी सर्कल इट. लेट्स चेक द 12, 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो हम इसका क्या करेंगे, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे किसके साथ, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 इज़ अ प्राइम नंबर. 6 को देखेंगे, इट्स नॉट अ प्राइम वन, सो इसको भी हम आगे फर्दर करेंगे, 2 3s are 6. सो हमारे पास देखें, जब लास्ट में दोनों नंबर सर्कल आ जाए, प्राइम आ जाए, सो मीन्स के हमारे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स स्टॉप हो गए. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज 2 and 3. होप आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.